हेलो एवरीवन, आज मैं सिखाऊंगा वेव एंडिंग का टूल। वेव एंडिंग का टूल कैसे बनाते हैं, ओके वो कि ये प्रोजेक्ट है जैसा कि आप देख रहे हैं, उसमें से ये पार्ट है, ओके उसमें पिलर, बुश, डाई, पंच, टॉप प्लेट, बॉटम प्लेट, क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो सब मैं बताऊंगा, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वी बेंडिंग टूल के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। आज इसमें हम ब्लैंक को जब ओपन करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, ये सही है या गलत है वो कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए आपको ये जो कंपोनेंट है, ओके जो कंपोनेंट है उसको अनफोल्ड करते हैं, अनफोल्ड करके देखेंगे। ये जो ग्रीन कलर का है, अनफोल्ड कैसे करेंगे वो भी हम आपको इसमें बता देते हैं। आपको शीट मेटल में जाना है, इसमें पहले डबल क्लिक कर लो, ओके अभी ये सेंटर से ऑल ओवर मतलब दोनों साइड में सेम डिस्टेंस है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमको इसमें जाना है शीट मेटल पे, शीट मेटल ये जो दिख रहा है कंपोजिट डिजाइन जेनरेटिव शीट मेटल, ओके इस पर क्लिक करना है, ओके आ गए शीट मेटल में हम। अब आपको इसको अनफोल्ड करना है, अनफोल्ड करके देखना है एक्चुअली इसका डेवलप लेंथ क्या है। अब डेवलप लेंथ क्या होता है, अभी ये जो कंपोनेंट है ये डायरेक्ट ऐसे रहता नहीं है, एक शीट रहता है, उसके बाद हम इसको ऑपरेशन वगैरह करके इस तरह से बनाते हैं। तो हम इसका थिकनेस चेक करेंगे, अभी थिकनेस कितना है, 1 mm। यहाँ पे आपको ये जो एरिया है यहाँ पे क्लिक करना है और फिर जो भी थिकनेस है वो डाल दो, रेडियस कभी भी डबल रेडियस डालना चाहिए या फिर सेम रेडियस डालना चाहिए अकॉर्डिंग टू थिकनेस। अगर थिकनेस 2 mm है तो रेडियस 2 mm डालो, डिफ़ॉल्ट बेंड रेडियस। अगर 5 mm है तो 5 mm डालो, कभी भी जो थिकनेस है उससे कम नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कंपोनेंट होता है वो क्रैक होने का चांस होता है उसको, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली 1 mm डाल देता हूँ, ओके ये सारे कमांड अब एक्टिवेट हो गए, ठीक है। अब इसमें हम ये कमांड लेंगे, ये रिकॉग्नाइज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आया हुआ है ये सब एज इट इज रहेगा, सिर्फ आपको करना क्या है, ये जो फ्लैट एरिया है, रेडियस नहीं फ्लैट एरिया, इस पर आपको क्लिक करना है, ओके और फिर नॉर्मली यहाँ पे ओके कर लो। आप देखेंगे यहाँ पे जो पार्ट है एक शीट मेटल का आइकॉन रिकॉग्नाइज का आ गया है, ओके अब इसमें नॉर्मली हम इस पर फ्लैट करके देख सकते हैं, ये डेवलप लेंथ हमको मिल गया। कितना मिला है वो भी चेक कर लेते हैं, सौ एम एम, ओके। अब 100 mm का डेवलप लेंथ है तो जाहिर सी बात है अगर हम इस पे 100 mm की पट्टी रखेंगे तो उससे बाहर जाएगा,
तो इसके स्टॉपर वगैरह हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसको ये जो हमने 80 mm दिया था, ये लेंथ 80 mm, इसको बढ़ाएंगे और कम से कम जो भी हमारा लेंथ आता है उसे 30 से 40 mm, मतलब पर साइड 22-25 mm प्लस रखेंगे हम। ओके, इस पर डबल क्लिक कर लो और वैल्यू डाल देते हैं, 80 है, 100 हमारा डेवलप लेंथ है, 100 प्लस 40। ओके, डायरेक्टली वो प्लस हो गया। अब ये हमारा एक्यूरेट साइज आ गया है। अब हमें कुछ टॉवल वगैरह डालना है या स्टॉपर डालना है तो हम ले सकते हैं इसमें। ओके, अभी काफ़ी कुछ इसमें बताना है आप लोगों को, लेकिन अगर मैं इसमें डिटेल में जाऊंगा तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि इस टॉपिक पे, मतलब अभी जो भी मैंने लेक्चर दिया है, जिस भी टॉपिक पर मैंने बात की है, इसमें से कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे पूछ सकते हो। ओके, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसमें एक कलर दे देता हूँ मैं, ये हो गया डाई आपका। नेक्स्ट, अब फिर से हम आएंगे प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट पे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि डाई में दो टाइप के असेंबलीज होती है, अपर और लोअर, ठीक है। तो हमने जो बनाया हुआ है ऑलरेडी लोअर बनाया है, अब हमको अपर बनाना है। तो अपर के लिए हम फिर से प्रोडक्ट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, ओके, और यहाँ पे फिर से वी बेंडिंग पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। ओके, ये आ गया प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके डायरेक्टली आप अपर असेंबली लिख सकते हो, उसके बाद कंट्रोल सी भी अप्लाई। ओके, तो ये हो गया आपका अपर असेंबली। मतलब अब अपर असेंबली कैसे होता है, ये जो कंपोनेंट है इसके नीचे जितने भी पार्ट आएंगे, जितनी भी एसेसरी आएगी, सब लोअर असेंबली में आएगा, और इसके ठीक ऊपर जो आएगा, मतलब ये जो पार्ट है, सॉरी, ये जो पार्ट है इसके नीचे जो है, मतलब ये एरिया सब लोअर असेंबली रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी अपर असेंबली रहेगा वो अपर एरिया, मतलब ये साइड में जो भी आएगा सब अपर असेंबली हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आप फिर से यहाँ पे आएंगे और पार्ट पे क्लिक कर देंगे। ओके, पार्ट पे क्लिक कर दिया, ये यस कर दो और इधर कहीं क्लिक कर देते हैं, ये आपका पार्ट हो गया। अब इसमें डालेंगे पंच, क्यों, क्योंकि हम डाई बना रहे थे, डाई हो गया है, तो सॉरी पंच डाल देंगे, या फिर आप पूरा नाम भी डाल सकते हो, वी बेंडिंग पंच करके। नॉर्मली मैंने पंच डाला हुआ है, पंच ब्लॉक डाल देता हूँ मैं, कंट्रोल वी। ओके, तो ये हो गया पंच। पंच के लिए सेम एडिट के लिए डबल क्लिक करना है हमको पार्ट पे। अभी शीट मेटल में है, हमको पार्ट डिजाइन में जाना है, पार्ट डिजाइन, ठीक है, क्लिक कर लो, स्केच में आ जाओ, स्केच में आके एक प्लेन सेलेक्ट कर लो, कौन सा, वाई सेट। ओके, सेम प्रोसेस 3D प्रोजेक्ट,
कंट्रोल दबा के सिलेक्शन करना है, 3D प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्ट्रेट प्रोफाइल बनाना है, ठीक है, या बड़ा भी बना सकते हो, यहाँ से भी बना सकते हो। स्नैप मोड में रखा तो थोड़ा हेल्प मिलता है, ठीक है, सॉरी। हम प्लस बना रहे थे ना, तो ठीक है। अब इसको इस कमांड से जो कि ट्रिम है, हम इस यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और इसको सीधा सीधा ऐड कर लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे, ओके, सॉरी, ओके, ये हो गया। अब पंच की क्या लेंथ होनी चाहिए, नॉर्मली जो स्टैंडर्ड पंच आते हैं, जो डाई स्टील का पंच आता है, उसमें से मैं आपको एक साइज बताता हूँ, हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो 100 की पड़ेगी, इसमें 139, क्यों, क्योंकि बोल्टिंग अगर वो कुछ करना रहा तो नीचे फ्लैट एरिया होना चाहिए, ओके, क्योंकि बोल्ट अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो यहाँ से इसको थ्रू करके बाहर तक आ जाएगा, जिससे कंपोनेंट डैमेज हो सकता है, ओके। दूसरा लेंथ डाल लेते हैं, इसकी लेंथ जो आती है वो 85 की आती है, तो ग्राइंडिंग वगैरह करके हमको 80 साइज मिल जाता है, ओके। अब ये फ्लैट एरिया कितना रहेगा, इसको हम 50 कर लेते हैं। अभी इसको सिमेट्री करना पड़ेगा, अलाउ सिमेट्री, ठीक है, अलाउ सिमेट्री लाइन, और इस पर क्लिक कर लो, सॉरी, इसमें आपको ये डिस्टेंस डिलीट करना पड़ेगा, ओके, ये हो गया पंच रेडी, ओके। अब बाहर आ जाते हैं और सीधा सीधा इसको पैड कर लेते हैं, वैल्यू हमने कितना डाला था, 60, ओके, ये हो गया पंच, ठीक है। आई आपके डाई और पंच रेडी हो गए। अब डाई और पंच रेडी हो गए, इसमें सिर्फ इतने ही पार्ट नहीं रहते, इसमें आपको बॉटम प्लेट, हाँ, और बॉटम प्लेट यहाँ पे और टॉप प्लेट, एक यहाँ पे प्लेट आएगा और एक यहाँ पे भी प्लेट आएगा, साथ में यहाँ पे पिलर आएगा, ओके, और इधर बुश आएगा। अब बुश आएगा तो फिर बुश क्लैंप कहाँ पे होगा, वो गाइड करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो जो प्लेट है उसको हम बड़ा कर देंगे, तो फिर ये और ये दोनों उसमें क्लैंप हो जाएंगे, ओके। तो अब हम इसमें एक पार्ट और ऐड करेंगे, वो क्या है, टॉप प्लेट, ओके, यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो हमें थोड़ा स्टॉप करना पड़ेगा टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट के पास। टॉप प्लेट, ओके, इसमें हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट, उसमें बुश वगैरह कैसे डालना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल टॉप प्लेट पे काम कर लेते हैं। सिलेक्शन के लिए स्केच में जाके क्लिक कर लो, फेस पे, यहाँ से
सेंटर में कमांड लेने के लिए आप ये कमांड यूज कर सकते हो, ये सेंटर्ड रेक्टेंगल। ओके, तो इस पर क्लिक करो, प्लेट बनाओ। ओके, बस आपको ये ध्यान देना है कि पिलर बुश यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो एक मेंटेन क्या बोलते हैं इसको, पहले रेफरेंस में कन्वर्ट कर देता हूँ। एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे लगभग 50 mm का, क्योंकि उसने में पिलर बुश हमारा आ जाएगा, सॉरी पिलर बुश आ जाएगा। ठीक है, आप इसको रेफरेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और टोटल डिस्टेंस काउंट करके डाल देंगे। ऑलरेडी 240 है और ये 200, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लैंप वगैरह आ सकता है। ठीक है, ये हो गया टॉप प्लेट। अब इस पर प्रेशर आता है तो इसलिए हम इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी बढ़ा देंगे, 30 mm कर देंगे। ओके, हालांकि इसमें पिलर बुश की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम एक दिखाने के लिए, सिखाने के लिए इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, टॉप प्लेट, ओके। अब आते हैं लोअर असेंबली में, बॉटम प्लेट क्लिक करो, इधर क्लिक करो। अब बॉटम प्लेट पे ये जो मैंने बोला था आपको वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और आपको ओरिजिन मिल जाता है। फिलहाल प्रेजेंट टाइम में कुछ सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है शायद, इस वजह से हो नहीं रहा है। ओके, अब बॉटम प्लेट, इसे बेस प्लेट भी बोलते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हो, बेस प्लेट या बॉटम प्लेट। स्केच में आ जाओ, प्लेन पे क्लिक कर लो, ओके कर लो और आप डायरेक्टली इसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सेम रेफरेंस रहेगा, जस्ट क्लिक कर लो और पैड कर लो। इसकी भी थिकनेस तकरीबन 30 mm रहेगी। रिवर्स डायरेक्शन, ओके। इसमें मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ, हालांकि मैंने वीडियो में अपने कुछ वीडियो में बताया हुआ है लेकिन कोई देखता नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये कलर इस पर ट्रांसफ़र करना है। तो जस्ट आपको इस पर ये जो प्लेट है इस पर क्लिक करना है और ये एक है, ठीक से देख लीजिए, ये जो कमांड है पेंटर का, इस पर क्लिक करना है और जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है। ओके, ये देखिए आपका डायरेक्टली जो कलर है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, तो आपका जो सेकंड पार्ट था टूल का वो ख़त्म हो गया है। मिलते हैं आपसे दूसरे पार्ट में, सॉरी तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद। प्लीज़ लाइक और शेयर तो कर दो।